हे गाइस, अगर आप यूज़ कर रहे हो ओप्पो A77 डिवाइस और वेट कर रहे थे कलर वेस्ट 13 का, तो जी हाँ, ये स्पेशल वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले आपकी कन्फ्यूज़न होगी क्या कलर वेस्ट 13 में देखने को मिलेगा ओप्पो A77 डिवाइस को, तो ये कन्फ्यूज़न को बिल्कुल दूर कर लो, आपको कन्फर्म और 100% कलर वेस्ट 13 का अपडेट देखने को मिलेगा। एंड वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आपको ऑफिशियल अपडेट प्लस बीटा अपडेट कब देखने को मिलेगा, पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन होने वाली वीडियो के अंदर, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले, इसलिए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके रिलीज डेट से। जी हाँ, ओप्पो की तरफ से ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल चुका है जो कि है बीटा अपडेट का, जहाँ पे लिखा हुआ है H1 2023 में आपको ओप्पो E77 डिवाइस भी सपोर्टेड देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ओप्पो E77 आपको H1 2023 में देखने को मिलेगा कलरवेस 13 का अपडेट। अब H1 2023 आखिर है क्या, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। H1 2023 होने वाला है आपका शुरू के 6 महीने 2023 के। जी हाँ, जनवरी से लेकर जो भी 6 महीने होने वाले स्टार्टिंग के, उस महीने में किसी भी महीने में प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी यहाँ पे कोई कन्फर्म डेट निकल के नहीं आई है, जैसे कन्फर्म डेट निकल के आएगी और महीना निकल के आएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आप लोगों को कन्फर्म बताने वाला हूँ कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आपको कैसे इस बीटा अपडेट को लेना है। एंड हाँ, आपको सबसे पहले बीटा अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, बीटा अपडेट प्रोवाइड होने के एक महीने बाद ही आपको ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड जो ऑफिशियल अपडेट होता है उसके लिए कोई प्रकार की फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती, आपको कोई फॉर्म वॉर्म भरना नहीं होता, आपको जस्ट सिंपली फ़ोन के अपडेट के अंदर जाना है एंड वहाँ से अपडेट को कर लेना है चेक करके सिंपली। बट जो बीटा अपडेट होता है सिर्फ 2000 लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो सबसे पहले फॉर्म को भर देते हैं। इसलिए जैसे यहाँ पे डेट फिक्स होगी मैं एक वीडियो बना देने वाला हूँ, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कलरवेस 13 का बीटा अपडेट लेना है तो आपको बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ेगा मेरे साथ में। इसलिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी जितने भी सब्सक्राइबर उन सभी को मौका मिले कलरवेस 13 का बीटा वर्जन यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे 2-3 महीने रह चुके हैं इस ईयर के ख़त्म होने के बाद ही देखने को पता चलेगा कि कब हमें अपडेट देखने को मिल रहा है या फिर कौन सा महीना यहाँ पे कंफर्म हो रहा है ओप्पो E77 के लिए कलरवेस 13 का अपडेट। बाय द वे, ये जो कलरवेस 13 का अपडेट होने वाला है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलने वाले हैं, प्राइवेसी से रिलेटेड, यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड, एंड यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई है जैसे कि आपने देखी होगी वीडियोज़ के अंदर। एंड यही वीडियो के अंदर थी, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। एंड आप भी नीचे कॉमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कब तक यहाँ पे अपडेट देखने को मिल सकता है, कौन सा महीना यहाँ पे कन्फर्म होगा अगले साल 2023 के अंदर, वो जाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।